मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस दिशा में लगाए ये पौधे होते हैं अनिष्टकारक एवं मृत्युकारक। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे पौधों को घर में रखने से काफी नुकसान व मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन पौधों को रखने से पहले सही दिशा का चयन करना भी अति आवश्यक माना जाता है। आइए जानें इसके बारे में। घर की दक्षिण दिशा में गुलमोहर, पाकड़, कटहल के वृक्ष लगाने से आकारण शत्रुता, अर्थनाश, असंतोष व कलह होने की संभावना रहती है। इस दिशा में नीम, नारियल, अशोक के वृक्ष लगाना शुभ होता है। घर के परिसर में गुलाब, तुलसी, चमेली, बेला आदि लगाना शुभ होता है। इससे शत्रुनाश, धन संपदा की वृद्धि व संतति सुख प्राप्त होता है। जिन पेड़ों से गोंद निकलता हो अर्थात चीड़ आदि घर के परिसर में नहीं लगाने चाहिए, यह धन हानि की संभावना को बढ़ाता है। दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात आग्नेय कोण की ओर पलाश, जावा कुसुम, बरगद, लाल गुलाब अशुभ एवं कष्टदायक होते हैं। इस दिशा में लाल फूलों के वृक्षों व लताएं तथा कांटे वाले वृक्ष अनिष्टकारक एवं मृत्युकारक माने गए हैं। घर की पूर्व दिशा में गुलाब, चंपा, चमेली, बेला, तुलसी आदि के पौधे लगाने चाहिए। इस दिशा में दूब अर्थात दुर्वा लगाना शुभ माना जाता है। घर की पूर्व दिशा की ओर पीपल और बरगद के वृक्ष लगाने शुभ नहीं होते हैं। इनसे स्वास्थ्य हानि, प्रतिष्ठा में कमी एवं अपकीर्ति के संकेत मिलते हैं। घर के परिसर में केला, नींबू, कदंब अथवा कांटे वाले वृक्ष अनिष्ट के द्योतक हैं। अगर गृह परिसर में अशुभ वृक्ष लगे हो तो उन्हें हटवा देना चाहिए, पर यदि यह संभव ना हो तो भवन और वृक्षों के बीच अशोक के पेड़ लगा देने से अशुभ प्रभाव कुछ सीमा तक कम हो जाते हैं। अशोक के वृक्ष अशुभ प्रभाव को नष्ट करने वाले होते हैं। भूखंड के केवल दक्षिण दिशा में वृक्षारोपण करना उचित व शुभ नहीं होता। भवन के सम्मुख बबुल, बेल के वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। इन्हें भवन के पीछे कुछ दूरी छोड़कर लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि इस दिशा में लगाए गए कौन से पौधे अनिष्टकारक एवं मृत्युकारक होते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।